वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 4.0 संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत छावनी परिषद बबीना के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक आजाद के मार्गदर्शन में आज छावनी परिषद सार्वजनिक चिकित्सालय बबीना में छावनी परिषद के सभी स्टाफ ने स्वच्छता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के उपरांत छावनी परिषद बबीना में स्वच्छता कार्मिकों के रूप में कार्य करने वाले लगभग 570 स्वच्छता कर्मियों, स्टाफ व आमजन के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप का उद्घाटन छावनी परिषद बबीना के माननीय सदस्य पलविंदर सिंह नंदा ने फीता काटकर किया। मेडिकल कैंप में स्वच्छता कर्मियों एवं उपस्थित अन्य सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा दवाइयां वितरित की गईं। इस मौके पर छावनी परिषद बबीना के कर्मचारी सुरेश कुमार कुशवाहा, कार्यालय अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर रघुवंशी सिंह CHC, रविकांत शर्मा, पंकज दीक्षित, शिवम मिश्रा, आनंद सांडिल्य, भानु प्रताप सिंह, हरिशंकर महतेरे, हर्ष हायरण, संदीप दीक्षित, संतोष कुमार साहू, सुजेश पांडे, दिनेश संखवार, हेमंत सिंह यादव, रजनी वर्मा, करिश्मा सिंह, मनोज कुमार साहू, राजेंद्र रायकवार, साफिया बानो, कैलासी देवी, धनीराम साहू, अमन कुमार, आफरीन, शैलेश राजपूत आदि उपस्थित रहे। जो मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री अभिषेक आजाद जी हैं, उनके निर्देशन में पूरे छावनी परिषद में बहुत सी एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया है। उनमें से स्वास्थ्य कैंप भी है, जो स्वच्छता कर्मियों के लिए, जो कैंट बोर्ड में इम्प्लाई हैं उनके लिए भी है, और भी जो लोग हैं उनका सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कैंप किया गया है, जिसमें से इनका ब्लड शुगर और ब्लड से रिलेटेड जितने भी जाँचें हैं, हीमोग्लोबिन है, TLC, DLC, SR और भी अन्य जो जरूरत की जाँचें हैं, उन सभी जाँचों का भी फ्री में यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें से लगभग 600 के लोग, 600 करीब अपने कर्मचारी और जो आम पब्लिक है, इतने लोग जो है यहाँ पर लगभग 600 के आसपास जो है। जिन मरीजों को यदि स्वास्थ्य परीक्षण में किसी चीज़ की कोई कमी पाई गई, किसी का शुगर बढ़ा है या किसी का BP बढ़ा हुआ है या किसी को और कोई बीमारी है, बुखार है, सर्दी, जो भी सीजनल इलनेस है, तो इनमें यदि किसी मरीज को किसी दवा की कोई जरूरत है तो निःशुल्क दवाइयां वितरण की गई। बबीना से इनसाइट न्यूज के लिए विजय वर्मा की रिपोर्ट।